अंबाला दे सरहिंद क्लब च रक्षा मंत्रालय वालों करवाए जा रहे फ्लावर शो अते संस्कृत कार्यक्रम च परफॉर्म क्रम आए दिन स्कूली बच्चे आयोजकों की लापरवाही का शिकार हो गई। स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के दौरान इन बच्चों के पैर चु लसके। हैरानी की गल है कि घटना तो बाद बच्चों हस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं सी। कोलगेट अते बर्फ का फर्स्ट एड देते हुए यह बच्चों निजी कार से हस्पताल तक ले जाया गया। हद तां उदों हो गई जब बच्चों क्लब के सामने स्थित मिलिट्री हस्पताल ले जाने की बजाय लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सिविल हस्पताल च दाखिल करवाया गया। कुछ नहीं हुआ, इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो स्टेज थोड़ा सा गर्म हुआ था तो वो एकदम से गर्म से ठंडे में आया तो वो आफ्टर ऑल होता ही है, तो इसलिए हो गया। अब ठीक है आप? हाँ अब ठीक है। कौन से स्कूल से? SD विद्या। थैंक यू। बच्चों को चोट आई है? हम 3 हैं। हादसा हुआ मैडम, कैसे हो गया? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये बाई चांस हुआ। स्टेज गर्म थी तो बच्चे अपनी डेडिकेशन से डांस करते रहे, तो जब ये नीचे उतरे तो स्टेज गर्म थी, और जब नीचे उतरे स्टेज से तो वो ठंडा था, गर्म से एकदम ठंडे में आए तो पैर इनके वो थोड़े से चाले पड़ गए। कुछ फर्स्ट एड की इंतजाम? कुछ फर्स्ट एड पूरी थी, इन्होंने बर्फ की आइस क्यूब्स मंगवाई और कोलगेट मंगवाया, हर चीज करी, बट हमारा फर्ज था कि बच्चे को एक बार दिखाना बहुत जरूरी था, टेटनस का इंजेक्शन लगाना था, इसलिए सर ने बहुत हेल्प की और हमें लेके आए। एपिडर्मल बर्न इंजरी है, उनको जो मैट था जिस पे वो डांस परफॉर्म कर रहे थे वो गर्म था, उस करके उनको बर्न इंजरी हो गई, तो उनको फर्स्ट एड देके ट्रीटमेंट दे करके उनको डिस्चार्ज कर दिया है। कंटोनमेंट के लापरवाही हमारी नहीं है, वो लापरवाही उनके टीचर्स की है। बात ये कि एक स्टेज है, उसमें हमने कोई भी कंडीशंस में नहीं डाला हुआ। जब हम कह रहे हैं कि आप विद शूज डांस करो तो उनको नंगे पैर करना था, उसमें हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं बनती ना, वो तो उनके स्टाफ को उनके टीचर्स को चाहिए था। हमने तो मंच प्रोवाइड कराया और उनके अलावा भी 200 बच्चों ने परफॉर्म किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी वहाँ? नहीं, एम्बुलेंस की तो मैं चेक करवा के बता पाऊंगा एक्चुअली क्या था। बाला तो BS गुलियानी की रिपोर्ट, चैनल 2।